महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। इन सभी शिवरात्रियों में से वो शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के माघ महीने में आती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उस दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले से रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था, और विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ सीधी हुई। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। ये उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं, और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए, ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम ये कह रहे हैं कि ये दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं, ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है, उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है।